श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए नियम दिए गए हैं। वह जीवन जीने की कला हो या रोज की पूजा हो या प्रत्येक चीज़ का अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो समस्त चीज़ों का जो है हम सभी को वर्णन मिल जाएगा। उसमें से ही नित्य की पूजा होती है, जो रोज़ हम सुबह शाम भगवान की पूजा आराधना अपने घर में करते हैं। आज उन्हीं नियमों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो तक बने रहिएगा अंत तक, बहुत महत्वपूर्ण है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले अगर आप रोज की पूजा करते हैं तो सबसे पहले पूर्ण रूप से हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। उसके साथ ही कई बार मैंने अपने आसपास देखा है, आप सभी ने भी गौर किया होगा, हम सभी जो है श्रृंगार करना भूल जाते हैं। आप अगर सौभाग्यवती स्त्री हैं, आपको भगवान ने सौभाग्य का सुख दिया है, अर्थात आप सुहागिन महिलाएं हैं, तो इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय पूर्ण रूप से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है, बिंदी होना आवश्यक है, जिसके बाद ही हम सभी को पूजन आरंभ करना चाहिए। किसी कारणवश इस दुनिया में, इस संसार में आपके पति नहीं हैं, परंतु आप फिर भी आधी सुहागिन हैं, आपके बच्चे हैं, शास्त्र यही कहता है, वह भी आधा सुहाग हमारा होता है। ऐसे में तो प्रत्येक महिला को जो है पूजा करने से पहले अपने आप को श्रृंगार इत्यादि से सुसज्जित करना चाहिए। इससे जो है बच्चों की लंबी उम्र होती है, पति की लंबी उम्र होती है और पूजा को पूर्ण माना जाता है। सबसे पहला नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम, आजकल महिलाएं जो है आधुनिकता के चक्कर में बिंदी मांग इत्यादि नहीं भरती है, पूर्णतया सही नहीं माना जाता। शास्त्र ही कहता है माथे पर बिंदी सिंदूर सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। इसके साथ ही भगवान जी को जो कुमकुम इत्यादि अर्पित कर रहे हैं पूजन के पश्चात, आप सभी को भी अपने माथे पर उस तिलक को लगाना चाहिए। इसके बाद जो है सर को हमेशा पूजा के समय ढककर रखना चाहिए। इस ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की शक्तियां विद्यमान रहती हैं। पूजन करते हैं, किसी विशेष मंदिर में जाते हैं तो सकारात्मक शक्तियां तो होती ही हैं, नकारात्मक शक्तियां भी आसपास रहती हैं। ऐसे में अपने सर को जब आप पूजन करें, सर के माध्यम से और पैरों के माध्यम से ही कोई भी शक्तियाँ, दिव्य शक्ति हो या किसी भी तरह की शक्ति हो, हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को सर ढककर पूजा करनी चाहिए। पुरुषों को भी अपने सर पर कोई कपड़ा इत्यादि या टोपी इत्यादि हो तो बेहद उत्तम है। प्रत्येक महिला को अपने सर को ढककर ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद जो है नियम आता है आसन का प्रयोग, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है आसन। हमारे मंत्रों की शक्ति से, भगवान की ऊर्जा से, धरती से निकलने वाली जो वाइब्रेशन होती है वह धरती से जो है शरीर में ना आए, कहने का अर्थ है। और जो हमारी पूजा पाठ का फल है या हमारे मंत्रों का जो वो जप है उसका ताप होता है वह धरती पर समाहित ना हो जाए, इसके लिए जो है प्राचीन काल से कुसा का आसन, ऊन का आसन या जैसा आपके पास आसन हो उसे जो है पूजा पाठ के काम में आवश्यक रूप से लेना चाहिए। आप खड़े होकर पूजा करें या बैठकर पूजा करें, परंतु आसन का इस्तेमाल आप सभी को आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण पूजा में दीपक माना जाता है। पूजा में आवश्यक रूप से दो दीपक जलाने चाहिए, एक अपने इष्ट के नाम का दीपक जलाना चाहिए, एक जो है ऐसा दीपक जलाना चाहिए जिसे पूजा करने के पश्चात आप पूरे घर में घुमा सकें, भगवान की आरती कर सकें। एक दीपक ऐसा होना चाहिए जो एक जगह पर ही निश्चित हो, उसे कभी भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव भी, आप सभी ने उनकी कथा में सुना ही होगा, दो दीपक जलाने के लिए आवश्यक रूप से कहते हैं। इसके साथ ही यह अगला नियम महत्वपूर्ण है कि पूजा का एक निश्चित समय हो तो काफ़ी उत्तम है। हो सके जब आप माला का जाप करते हो, मंत्र जाप, माला जाप या एक निश्चित समय पर भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो काफ़ी उत्तम है। संभव हो तो उसी समय पर पूजा कीजिए, उसी समय पर जो है जाप कीजिए और उसी स्थान पर जाप कीजिए तो इसका फल जो है बहुत अधिक मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और आप सभी को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नियम आता है, प्रिय हमारे साथ रहता है, महिला जो है
परंतु आजकल शास्त्रों में कही गई बातों को कहीं ना कहीं लोग नजरअंदाज करने लगे हैं। यह दिन होते हैं महिला को आराम करने के लिए, ऐसे में आप मानसिक रूप से प्रभु की आराधना कीजिए, परंतु यह मंदिर की मूर्तियों को या दीपक इत्यादि को या तुलसी माता को स्पर्श करने का प्रयत्न ना करें। शास्त्र यही कहते कि महिलाओं के लिए यह दिन विशेष रूप से आराम करने के लिए दिए गए हैं। अगर इस समय मंत्र जाप पूजा की जाती है तो हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रहता, साथ ही शरीर में कुछ इस तरह की हलचलें होती हैं जिनका प्रभाव जो है पूर्ण रूप से हमारी पूजा का हमें नहीं मिल पाता। इनके पीछे कई वैज्ञानिक और शास्त्रीय प्रमाण भी मिलता है। सभी को जो है आधुनिकता के दौर में इतना नहीं खोना चाहिए कि शास्त्रों में कही हुई बातों को भूल जाना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को सुबह शाम दीपक आवश्यक रूप से प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान शिव की विशेष आराधना इस कलयुग में सबसे प्रमुख मानी जाती है। कुछ नियम थे जो पूजा पाठ से संबंधित रोज के थे। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय माता दी।